नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, पुलिस ने 1.65 लाख रुपए छीन कर भाग रहे चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। वही इस दौरान पुलिस कप्तान पीताम्बर सिंह खैरवार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही और टेक्निकल सेल के आधार पर पुलिस ने गोंडा और दुमका जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। दुमका जिला का सरैयाहाट थाना क्षेत्र में कल बैंक से एक लड़का पैसा निकाल के जा रहा था, उसमें ही लोग उसके साथ झपट्टा मार किए और तुरंत पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो जो उसमें इस्तेमाल किया गया था उसके सहित तीन लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही साथ 85,000 रुपया भी बरामद किया गया है। इसमें मुख्य बात यही है कि हम लोगों ने एक टीम वर्क का जो बात किया है कि जब भी कहीं घटना होगा किसी क्षेत्र में तुरंत रिस्पोंड करेंगे और उसका नज़दीकी थाना जो है उसमें उसका सहयोग करेंगे। तो उसके तहत ही सरैयाहाट में घटना हुआ, लेकिन हसडीहा थाना भी यहां पर तुरंत उसका कोऑपरेट में गया, साथ सहयोग किया और उसमें ये किया, उसको सफलता प्राप्त किया अपराधियों को पकड़ने में। दुमका में बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के दल के पदाधिकारी ने बासुकीनाथ श्रावणी मेला की 14 दुकानों में प्रसाद और अचार सामग्री की जांच की। इस दौरान तीन दुकानों में 150 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त किया गया। वही खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.5 क्विंटल मिलावटी पेड़े को नष्ट किया गया है और साथ ही अचार की 8 दुकानों से सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसा कि पूरे मेले क्षेत्र में हम लोग शुरू दिन से ही हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो मिलावटी पेड़ा वगैरह जो अचार वगैरह में जो शिकायत आ रही उसको लेकर हम लोगों ने आज फिर से कार्रवाई की है। हम लोगों ने मेनली आज पेड़ा जो करीब 150 kg करीब पकड़ा है, जो कि स्टार्स पे तो आज नहीं बट बीआर रेटिंग पे फेल हुई है और मार्केट पे ज़्यादातर जो ऑन द स्पॉट जाँच किया गया उस पर ज़्यादातर स्टार्च और बीआर टेस्ट में पास मिली है, बट जो 150 kg जो मिला गया था उन्हें नष्ट कर लिया जाएगा आगे पकड़। इसके अलावा आप अचार का भी चेक कर रहे हैं? इसके अलावा अचार पर भी हमें शिकायत मिली थी, अचार पर भी हम लोगों ने शिकायत की। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने जांच किया, ऑन द स्पॉट हम लोगों ने सीएल वगैरह से कलर वगैरह का जांच किया, जिसपे ऑन द स्पॉट तो टेस्ट पे तो पास हो गया बट हमें उस पर डाउट था, तो हम लोगों ने लीगल सैंपल लेके उसे फर्दर आगे के टेस्ट के लिए लैब भेजा है, वहाँ से रिपोर्ट आता है उसे फर्दर कार्रवाई होगी। जुमई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत डुमेर कोला गांव में एक अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बारी बारी से अतिक्रमण किए गए सभी घरों को ध्वस्त किया जाने लगा। इसी दौरान ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वहीं ग्रामीणों ने पदाधिकारियों पर पक्षपात और लापरवाही करने के आरोप लगाए। आज हम डुमर कोला गांव में खैरा प्रखंड अंतर्गत अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आए हैं। इसमें लगभग 74 मकानों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। इसमें हमारे साथ में अंचलाधिकारी एवं कौन है, आर ओ जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से तटीय इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस समस्या को देखते हुए उपायुक्त ने एनडीआरएफ की टीम के साथ तटीय इलाकों को निरीक्षण किया और सारी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, पर किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लगातार यहां जो पानी का लेवल जो बढ़ रही थी उसके ऊपर हम लोग नजर रखे हुए थे और आज सुबह से जो है पानी का लेवल कम होती जा रही है और टोटल नियंत्रण में है, और फिर भी जो है हम लोग एनडीआरएफ की टीम से राज्य सरकार से अनुरोध करके यहाँ मंगवाए हैं और वो भी देखो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हो और पुलिस, सब लोग लगातार यहाँ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जब तक ये मानसून के समय है ये यहाँ जो है दो लाइन एरिया है खासकर पानी लगती थी कोई चाहे। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत बसंत सेंट्रल मॉल ब्राउन ब्रेड बेकरी में अचानक आग लग गई और आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, किसी इंसानी जान माल का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
सर अभी हाँ बताओ ना क्या बता। बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गया था। अच्छा उसका वास्ते ऐसा हुआ, धुआं हो गया था। वो वाटर मार दिया, वाटर के वास्ते धुआं थोड़ा ज़्यादा हुआ, हम आते पाउडर मारा तो कम हो गया था। और जला नहीं, कुछ नहीं हुआ, आग भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, खाली बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गया। हम जाके खुद बैटरी को भी देखा। उसके बाद धुआं के वास्ते उधर जो आदमी रह गया था उसको भी बाहर निकाल के, अभी कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो गया। गिलास गिलास तोड़ना पड़ा, अब गिलास तोड़ना पड़ा, इसलिए धुआं उसका अंदर ज़्यादा हो गया बोल के गिलास तोड़ना पड़ा। जो समझ में नहीं आ रहा आग ज़्यादा लगा और किधर लगा या नहीं लगा, इसके लिए गिलास को मिरर तोड़ना पड़ा। नुकसान कितना का हुआ होगा? लोग सर कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो है धुआं में पाउडर में जो थोड़ा बहुत हुआ, सब तो वो सब आउट करना पड़ेगा। पूरा केक पूरा बर्बाद। हाँ 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 केक पूरा बर्बाद। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ है सर। क्या है? मैं पब्लिक का सेफ हूँ। लोगों को मेट्रो के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ बसंत टॉकीज के पास आग लगी हुई है, तो हम लोग एकदम तुरंत आए। अब बाकी बात, यहाँ का बैटरी जो था खबर देने वाला बैटरी वो फट गया था, तो ये लोग भी बुझाने का प्रयास किया था, ये लोग यहीं बुझा दिया था, लेकिन धुआं यहाँ पूरा भर गया था और यहाँ का शीशा तोड़ करके धुआं बाहर निकाला गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते आते तो यहाँ बुझ चुका था, लेकिन फायर गाड़ी की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन फिर भी यहाँ दो दो फायर ब्रिगेड आया हुआ था। इन्वर्टर की बैटरी इन्वर्टर का किस चीज़? इन्वर्टर का बैटरी जो था वो। जमशेदपुर में इंटक के पदाधिकारी और जिला कांग्रेस के द्वारा महिला इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। देविका सिंह के बेहतर कार्यों के मद्देनजर रखते हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इसको लेकर जमशेदपुर में इंटक के पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। खुशी का तो बयान नहीं कर सकती हूँ, और उससे ज्यादा कि मैं उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा जिम्मेवारी हमारे अभिभावक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी जी मुझ पर देंगे। बट खुशी इस बात की है कि उन्हें मेरे काम को देख के मेरे पर विश्वास हुआ कि मैं महिला इंटक को जीवित करूंगी ऑल इंडिया में। हर एक राज्य में मैं जाऊंगी और कुछ न कुछ करके ऐसा दिखाऊंगी कि वो जो उम्मीद मेरे पर रखे अपना, उस उम्मीद पर खड़े रहूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने महामंत्री संजय जी को भी, क्योंकि उनका बिना सपोर्ट के मैं यहाँ पर नहीं पहुँची। पहली प्राथमिकता तो मेरा घर है, और मैं चूंकि यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष थी कि मैं यहाँ पर एक कमेटी बना चुकी हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है जो हमारी कमेटी मेरे साथ आज हैं उन लोग अब उतना ट्रेन है कि पूरा झारखंड उन लोग संभाल लेगी। मैं कोशिश करूँगी, मैं दिल्ली जाऊँगी, हर राज्य में जाऊँगी। जमशेदपुर में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। बता दें प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ 1 अगस्त को साक्षी के अग्रसेन भवन में किया गया। वहीं इस दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से इस शिविर को एक दिन और बढ़ा दिया गया, ताकि दिव्यांग लोगों की सहायता की जा सके। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की और साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों गिरफ्तार तस्कर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुल 1044 कार्टन शराब की खेप को बरामद किया। वहीं SP कांतेश कुमार मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। मध्य निषेध इकाई बिहार पटना से प्राप्त सूचना के आलोक में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक निर्देश दिया गया कि अन्य राज्य से शराब की एक बड़ी खेप रास्ते मोतिहारी आ रही है। इस सूचना पर मेरे नेतृत्व में चकिया VIP सुप्रीम और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहानी के एक एक बार फिर से अपने पुराने आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच निकले, पर गौर करने वाली बात यह है कि इस बार वो करोड़ों के बने गाड़ी पर बैठ आरक्षण मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बता दें अपने 101 दिन की यात्रा पर निकले मुकेश सहानी आज पूर्वी चंपारण जिले पहुंचे, जहां उन्होंने VIP नेता वरुण विजय और पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सहानी के नेतृत्व में केसरिया विधानसभा क्षेत्र के सेमुआपुर और बरियारिया में जनसभा का आयोजन किया। वहीं इस दौरान इस जनसभा में पहुंचे नेता मुकेश सहानी का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। समय समय की बात होता, जिस समय जरूरी
अब लोहा गर्म हो तभी ना हथौड़ा मार के कुछ पीटा जाए और कुछ आकार दिया जाए। अभी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए लोग सोच रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री के लिए लोग सोच रहे हैं, तो ऐसे जगह पे एक हाथ दो एक हाथ लो, हमें भी आरक्षण चाहिए। और इसी समय में हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी देखेंगे, समझेंगे कि निषाद समाज जो है पूरे यूपी बिहार झारखंड में अपने वोट के लिए संकल्प कर रहे हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी नहीं सुनेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा जो अधूरा सपना है, जो हमारा काम है, जो बंगाल में या दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिला है, वो बिहार में भी मिले। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं, 101 दिन का ये यात्रा है। अभी हम लोग मोतिहारी पहुंचे हैं और ये उत्तर प्रदेश झारखंड तीनों राज्य में लगभग 80 जिला को हम लोग टच करेंगे और अपने लोगों को संकल्पित कराएंगे कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कीजिए जैसे मैंने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया। कसम खिलाने की नौबत क्यों आ रही है? मुंगेर में लोगों ने किला के पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठा तरीका निकाला, दीवारों से चिपक कर मुझे बचाओ का नारा लगाया। वहीं इस अनूठे तरीके को देखकर आने जाने वाले लोग अचंभित रहे। बता दें जंगल के पेड़ को कटाई से बचाने के लिए ग्रामीण पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए। दरअसल ये धरोहर देश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान और गौरव की जीवांत प्रतीक है और ये अतीत वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। वहीं इन सब समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ध्यान आकर्षित कराने के लिए इस तरह से किला बचाव अभियान चलाया गया और जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ये जो सांकेतिक पदयात्रा निकाली गई है मुंगेर के इस किले के अस्तित्व की रक्षा के लिए निकाली गई है। ये इतना पौराणिक किला है, जर्जर अवस्था में है। आप देखिए, कैमरा घुमाइए आप उधर, ये देखिए उसमें बढ़ के गाछ उग गए हैं, दरारें पड़ी हुई है। खानापूर्ति के नाम पर, इसके मरम्मत के नाम पर सिर्फ लाल रंग पोत दिया जाता है जिससे कि इसको चमका दिया जाता है। क्या यही इसके लिए काफी है? रही बात दूसरी, ये आवागमन के लिए इसमें तीन रास्ते हैं, एक मुख्य रास्ता बीच में, एक बाईं ओर और एक ये दाईं ओर। दाईं ओर के रास्ते को पानी की पाइप लगा करके बंद कर दिया। हम लोगों ने थाना है कि किसी भी हालत में मुंगेर किला को बचाना है। उसका मुख्य कारण है कि किला की जो स्थिति है वो जर्जर अवस्था में है और हम सरकार से मांग करते हैं इसको पुरातन विभाग भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया जाए। आज विशेष मांग मुंगेर मंच करती है कि इसको मुंगेर किला को संरक्षित किया जाए पुरातन विभाग राष्ट्रीय में, तभी जाकर ये सुरक्षित होगी। और मुंगेर का ये ऐतिहासिक किला जो 300 वर्षों का इतिहास, ना जाने कब का इतिहास है, यहाँ तक कि कुछ लोग महाभारत से भी जोड़ के देखते हैं। यह रैली निकालने की जरूरत पड़ी। इस सांकेतिक रैली में मुंगेर के विभिन्न संस्थाओं ने भी सहयोग दिया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस रैली को सफल बनाया। ये रैली मुंगेर की किला की संरक्षता के लिए निकाली गई है। इस किला के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, इसमें जो पाइप लाइन डाला गया है वह गलत है, इससे कल के डेट में हमारे धरोहर को भारी क्षति पहुंच सकती है या विलीन हो सकता है। अतः हम पुरातत्व विभाग से भी यह गुजारिश करेंगे कि इसको। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मदन सहनी ने सीएम नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बिहार के किसी भी कोने से चुनाव लड़ेंगे तो वो अपार बहुमत से जीतेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा के खिलाफ प्रहार किया और कहा कि भाजपा में वैसे कोई नहीं है जो चुनाव में जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में महागठबंधन की अपार जीत होगी। इसमें कहाँ कोई संदेह है। इधर भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर का है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है और आज जो उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते, हम लोग का व्यक्तिगत चॉइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़े। बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं और जहाँ से लड़ेंगे वहीं से चुनाव जीतेंगे।
बिहार सरकार में नए मंत्री के रूप में शामिल हुए रत्नेश सदा ने भाजपा के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि छोटी पार्टियों को निगल जाएंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ी है और उसमें कामयाबी मिल रही है तो भाजपा को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी जो पहले कभी नहीं बुलाई गई। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। अरे अगले साल अमित शाह आकर के बोला था जो छोटी छोटी पार्टी को निगलने वाले हमारे पार्टी से बढ़कर समझा यहाँ कोई नहीं है। आप देखे होंगे 23 और 16 तारीख को इन्होंने कहा कि 23 तारीख को सब भ्रष्टाचारी का बैठक हो रहा है और जब माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्षी एकता को मजबूती करने में कामयाब होने लगे कि फिर तुरंत अपने दल में भी 38 आदमी को बैठा करके वो भी क्या बैठा करना शुरू किया। ये डर से परेशान है और जो जो रिजेक्टेड लोग आती पिछड़ा में उसको शामिल करना को समझना चाहिए। जहाँ बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, वहाँ आदिवासी दलित महादलित को महिलाओं को साथ अत्याचार किया, नंगे पैरेड किया जाता है, उसके पति को हत्या किया जाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश से क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर लगातार हमलावर नजर आए। बिहार में चुनाव लड़ने लायक उत्तर प्रदेश में कौन छीन रहा है भाई? नीतीश कुमार जी क्या बताएंगे कि बिहार में क्या लूट बलात्कार बढ़ गया? उस बिहार से मैं आया हूँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ अपराधी को या तो जेल में रहना होता है नहीं तो जमीन के अंदर रहना पड़ता। उस प्रदेश में जाकर ये क्या अपना दिखाएंगे कि मैं उस बिहार से आता हूँ जहाँ बालू माफिया है, शराब माफिया है, गुंडागर्दी है, उसी बिहार से आते हैं? अरे नीतीश जी को दम है तो बिहार के किसी सीट पर लड़े, भाजपा का एक समान कार्यकर्ता भी तुमको चुनाव हराने का काम करेगा। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा को भगोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डरपोक हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अरुण कुमार सिन्हा पहले मेरे पिताजी यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से डरते थे और अब वो मुझसे भी डरते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में 2024 और 25 के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं तेज प्रताप ने ये भी कहा कि जातीय जनगणना पर भाजपा साजिश रच रही थी लेकिन उनकी हार हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं कि वो बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 1,00,000 वोट से हार जाएंगे, इसलिए उनके दल के लोग उनको बिहार के बाहर भेजना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि ये बिहार छोड़, उनके दल के लोग, उनके गठबंधन के लोग जो लोग हैं चाहते हैं कि अब बिहार कोई ज्यादा बर्बाद न करे, बिहार से बाहर चले जाए, ये नीतीश कुमार की बर्बादी को देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने बिहार में चुनाव जीत नहीं सकता, बिहार की जनता के विश्वास को जो व्यक्ति खो चुका है, बिहार के किसी भी लोकसभा से ये चुनाव लड़ेंगे 1,00,000 से ज्यादा वोट से हारेंगे, लोग बाहर भेजकर बिहार को बचाना चाहते हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब बिहार में हम चुनाव नहीं जीत सकते तो उस यूपी में, जिस यूपी में राम राज्य स्थापित हो चुका है, उस यूपी में जहां बनारस की गलियों में वेद का मंत्र गूंज रहा है, उस यूपी में जहां कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ने लगी है, बिहार के अंदर आज भी बख्तियार खिलजी का वह करुण दृश्य, गुलामी की निशानी इनके घर में ही दिखाई पड़ रहा हो जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पांचवे दिन बीजेपी से बागमारा विधायक ने धनबाद में हो रहे लाखों करोड़ों रुपए के अवैध कोयला खनन की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर सदन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से धनबाद के साथ पूरे झारखंड में लाखों करोड़ों रुपए का राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हो रही है, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी लूट कहीं नहीं होगी, इसलिए तमाम मामले की जांच सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई। कि आज जिस प्रकार से पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद में राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हो रहा है, ये
पूरे हम लगता है लाखों करोड़ों का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हो रहा है। इतना बड़ा लूट पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं हुआ हुआ। तो जो ऐसे अधिकारी हैं जो लूट में लगे हुए हैं ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी का परिणाम है जो हम लगातार ऐसे गलत काम कारनामों करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम है कि दो दर्जन से ज्यादा मुकदमा हम पर डालकर हमें जेल भेजा गया, हमारे अंगरक्षक को वापस ले लिया गया और तरह तरह के हथकंडा अपनाकर सरकार हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं और मैं झारखंडी होने के नाते झारखंड को लूटते हुए देख नहीं सकता। इसका विरोध मैं पहले से भी कर रहा हूं और आज भी मैं कर रहा हूं, आने वाला समय में भी करेंगे। जितना मुकदमा डालना है झूठा मुकदमा सरकार को डाले इसका मैं उसके लिए मैं, मगर राज्य को लूटने नहीं दिया जाएगा। धनबाद को लूट के आज जिस प्रकार से रांची में अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर मांग कर रहे हैं। बिहार में केंद्र सरकार ने पेशा कानून को लागू कर दिया है और झारखंड में लागू नहीं किया जा रहा। साथ ही कहा कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो 23 अगस्त को विरोध राजभवन के पास करेंगे। खिलाफ का बात नहीं है। जो चीज झारखंड जो चीज केंद्र सरकार ने पेशा एक्ट बिहार के टाइम में दिया और बिहार ने भी 1998 में वहां लागू कर दिया जिसका गजट मैं आप लोगों को दूंगा। और यहां पर जो भी सरकारें बनी शुरू से लेकर के आज तक ये सरकार ने पेशा एक्ट को धरातल पर नहीं उतारा। अभी एक नियमावली बना रहा है, पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, ये तो नाटक हो रहा है। तो इसलिए हम आपको बिहार का गजट भी मैं आपको दूंगा और उसमें क्या लिखा है सारा चीज आप लोग देख लेंगे। नहीं देती तो जाएगा 24 में नहीं पब्लिक विदा करेगी नहीं लगे अगर नहीं करेगा तो पब्लिक विदा करेगा सरकारी को विदा कर देगी। क्यों नहीं क्यों नहीं करेंगे? जनमिन चीज है ये अधिकार, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? आप हल्का लेगा तो बहुत भारी बुझाएगा बाद में। 23 अगस्त को हम धरना पर बैठने वाले हैं और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के मैं आदिवासी बूलवासियों को हम आमंत्रित करता हूं कि कोई भी दल में है कोई भी संगठन में है लेकिन यहां आदिवासी आप लोग हैं। इस पेशा एक्ट को धरातल पर उतारने के लिए आप लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। आप लोग आए 23 तारीख को और 23 तारीख को फिर हम लोग राजभवन के सामने धरना। रांची में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवे दिन रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने रामगढ़ में पवन के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही 50 लाख मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं धरने के दौरान उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुआवजा देने की मांग की। मैं मांग करती हूँ उनके लिए कि सरकार से कि उनके 50 लाख मुआवजा दी जाए और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और उनके एक नौकरी भी दी जाए। घटना का क्रम तो ये पता नहीं चला है अभी, लेकिन दो को अरेस्ट किया गया है, वो बताएंगे पुलिस। ये तो अभी सरकार की जानेंगे और प्रशासन ही कि सरकार किसके दबाव में है नहीं है। ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि पूरे राज्य में ये कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दिन आए दिन सब ये घटना घट रही है, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है। ये आप लोग तो न्यूज वाले हैं तो आप लोग सभी जगह देख रहे हैं। सरायकेला में सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में विसंगतियों को लेकर भद्रायुओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पर राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से अविलंब सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक सरकार के फैसले का विरोध करेगी। कार्यक्रम आज का जो धरना कार्यक्रम है ये पूरे झारखंड में हो रही है, उसी के निमित्त हम लोग सरायकेला खरसावां उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कार्यक्रम युवा मोर्चा के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं विगत दिनों एक सहायक शिक्षक आचार्य की नियुक्ति का अधिसूचना हुआ, उसमें जिस तरह से कुछ बिंदुओं पर मतलब सभी प्रकार के विज्ञापन प्रेषित होने के बाद चर्चाएं होने लगी कि जेटेट का एग्जाम 16 के बाद से नहीं हुआ और ना ही उसमें कोई ये करने वाले अभ्यर्थी है। तो जेटेट 16 के बाद जब झारखंड नहीं हुआ तो उसके बाद जो लाखों उस बीच का गैप है 16 के बाद जो बीएड किए हुए हैं या बीएड करके कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं शिक्षक की आस में है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, हम लोग शिक्षक बनेंगे, सरकार में वैकेंसी आएंगी तो हम लोग शिक्षक नियुक्ति बन के देश और राज्य का निर्माण में अपना अहम योगदान देंगे।
पंजाब के ट्रांडल थाना के पास नेशनल हाईवे 33 पर फदूल गोड़ा काली मंदिर के पास हथियार दिखाकर छेड़खानी कर रहे दो दबंगों को पुलिस ने धर दबोचा और पुलिस ने गिरफ्तारों के पास से एक कंट्री मेड ऑटोमेटेड पिस्तौल, स्कूटी और दो अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन बरामद किए। वहीं इस पूरे मामले में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सूचना मिली थी कि रात में दो लड़के जो हैं वो पिस्टल के साथ साथ में लेकर के और जो है वहाँ क्षेत्र में लोगों के साथ एक्सटोर्शन वाली मामला था जिसमें कि लोग धमकी दे रहे हैं। ये जानकारी आई थी कि इनके द्वारा कोई बड़ा घटना भी किया जा सकता है। इस पर एक जो है हम लोगों ने टीम बनाया था और उसके बाद कार्रवाई की गई जिसमें इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, कंट्रीमेड ऑटोमेटेड पिस्टल बरामद कपाली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।